बिल्कुल है, सामने गोली बलबेड़ा, बिल्ला बलबेड़ा और मिल्ला बलबेड़ा, चारों की चैन घूमती हुई। और ये बिल्कुल कैच की कोशिश विन्नी चीका, लेकिन पॉइंट मिला विन्नी चीका को। अब रेड पर है दीपक काशीपुरी। आवे दर्शक साथियों, जिला वैसे इसका पलवल है, फरीदाबाद को और पलवल को कबड्डी में या कुश्ती की बात है, एक ही टीम यहां पर पार्टिसिपेट करती है, बहुत अच्छा प्रतिभागा धनी है। मैं इस खिलाड़ी को नमन करता हूं, बिल्कुल साफ सुथरा इसका खेल है, दीपक काशीपुरिया। और सामने और ये कैच की कोशिश बिल्कुल है, कमल सिरदा बिल्कुल का छोड़ दे भाई, देखिए कोई ज्यादा जोर अजमाइश नहीं किया, बिल्कुल कहा किसी प्रकार की चोट न लग जाए, कमल सिरदा के द्वारा शानदार कैच। और अब रेड पर मनीष सिरदा भाई, दर्शक साथियों बहुत अच्छी प्रतियोगिता आपके बीच में, और बिल्कुल खिलाड़ी लगातार 3 बजे से कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्रतियोगिता गांव आलमपुर जिला कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में चली हुई है, जहां बिल्कुल कैच की कोशिश है करेंगे, रेड भी बिल्कुल सफल की कोशिश खिलाड़ी करेगा। और ये मेला बलबेड़ा जिन्हों अपने विश्वविद्यालय चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, उस यूनिवर्सिटी का खिलाड़ी अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ दीपक बलबेड़ा। जहां यदि कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडी का गौरव आपके जिले को प्राप्त है, खेल मैदान पर है दीपक बलबेड़ा। हाँ बिल्कुल टच है, साफ सुथरा फैसला, डॉक्टर सुभाष जानी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के बहुत अच्छे डॉक्टर और बहुत अच्छे ऑफिशियल। और अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता विन्नी चीका, पंजाब की सीमा से सटा हमारा विधानसभा क्षेत्र है, हमारी तहसील है, और विन्नी चीका 2 की छूट में सिरदा की टीम का प्रतिभागी बन के खेल रहा है, पीछे असिस्टेंट एम्पायर राजेश कैरो। और बिल्कुल चाहिए गोली की बात है, और ये है नहीं नहीं अभी कुछ नहीं है, चलो 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 ना ना कट नहीं है बिल्कुल, चलिए चलिए ये दे दिया, दो दो ऑफिशियल खड़े हैं बिल्कुल, फौजी साहब का मैच रेफरी का भी सारा। और ये दीपक काशीपुरिया बिल्कुल अपील कर सकते हैं, खिलाड़ी का अधिकार है अपील करना, कोई बात नहीं ये कर सकते हैं। आपने देखा होगा नेशनल कबड्डी में 10-13 का मैदान होता, बड़े बड़े कैमरे लगे हो जाते हैं, उसमें भी गलती हो जाती, ये तो बहुत बड़ा 22 मीटर का खेल मैदान है। दीपक काशीपुरिया रेड पर है और बहुत बधाई के पात्र सवेरे हमारे दानवीर साथी जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, विभिन्न गांव के सरपंच, बिल्कुल यदि सरपंचों की बात की जाए तो रजनीश सरपंच, अब चरखी दादरी जिला अलग हो गया, सबसे ज्यादा सरपंच है हमारे भिवानी सॉरी यमुनानगर जिले में 471 सरपंच अंकित आलमपुर। और यदि दूसरे नंबर पर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर रहा हमारा भिवानी जिला, 468 सरपंच है। तीसरे स्थान पर यदि बात की जाए तो हमारा अंबाला जिला 408 सरपंच है, और आपके जिले में 392 सरपंच है जो चौथे स्थान पर है, जिसमें दर्शक साथियों 182 और 126 के लगभग यानी कि स्त्रियां सरपंच हैं। चौथे स्थान पर आपका जिला कुरुक्षेत्र है, और बिल्कुल टच किया और पॉइंट मिला भाई दीपक कुमार को, और जिसके अंदर रजनीश सरपंच जैसे, चाहे हमारे दूसरे जिंजरपुर गांव के सरपंच रणधीर की बात है, बारवा के सरपंच की बात है, चाहे हमारे मिर्जापुर के सरपंच के, एक काम करने का इनका अपना तरीका, जहां भी प्रतियोगिता होती है आयोजन होते हैं आपस में मिल बैठकर अपनी योजना बद्ध तरीके से कार्य करते हैं, नमन करते हैं रजनी सरपंच आपको और आपकी कार्यशैली को, ये तो बिल्कुल है। और ये शानदार कैच है भाई, बिल्कुल कवि ने कहा भी लोगों, खाने के लिए कोई चीज है तो गम है, पीने के लिए कोई चीज है तो क्रोध है, लेने के लिए कोई चीज है तो ज्ञान है, और देने के लिए कोई चीज है तो दान है, दिखाने के लिए कोई चीज है तो दया है, सफलता के लिए कोई चीज है तो मेहनत है, और करने के लिए कोई चीज है तो सत्कर्म है। इसी कड़ी में मैं धन्यवाद करूंगा हमारी सारी खेल समिति का भाई, रजनी सरपंच का, संजीव कुमार का, नाब सिंह मेल्ला का, संदीप का, जिन्होंने अपने गांव में बहुत बड़ी प्रतियोगिता करवाई, यहां से धनराशि खिलाड़ियों के पास, और खिलाड़ी इस धनराशि से घी दूध की खुराक लेकर अपने जिला का नाम हरियाणा में, और हरियाणा का नाम हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का नाम एशिया के मानचित्र पर चमकाएंगे। आई सल्यूट यू रजनी सरपंच आलमपुर।
और अब रेड पर है मनीष कुमार सिरदा, बिल्कुल जिला कैथल का गांव है, पाई से आगे जो भाणा, भाणा से आगे सिरदा, और यह है गोली बलबेड़ा, पंजाब की सीमा से सटा गांव है। एक तरफ जिला पटियाला शुरू हो जाता है, उस जिले का ये बलबेड़ा गांव का बेटा कोशिश कर रहा है, यानी कि रिस्ट होल्ड है और पॉइंट मिला हुआ है बलबेड़ा की टीम को। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ दीपक बलबेड़ा, जहाँ के अंतर्राष्ट्रीय हमारे कबड्डी कोच हैं भाई सुरेश कुमार जी बलबेड़ा, जिन्होंने विदेशों में जाकर खिलाड़ियों को ले जाकर हिंदुस्तान का तिरंगा फहराया। आज भी देख लो रजनी सरपंच के द्वारा खेल मैदान के चारों तरफ बिल्कुल झंडे इस बात का प्रतीक है कि बहुत बड़ी प्रतियोगिता आपके बीच में चली है, बहुत अच्छी व्यवस्था, नमन करते हैं भाई साहब को। फिर है विक्की जी का खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और कुआ जितना भी गहरा हो लोगों इतना ही मीठा जल मिलता है, और जीवन के हर एक कठिन का प्रश्न का हल भी लोगों जीवन से ही मिलता है। और ये बिल्ला बलबेड़ा कौशिक परिवार का बेटा, लेकिन पॉइंट मिला हुआ दर्शक साथियों सिरदा की टीम को। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ दीपक काशीपुरिया, बहुत अच्छा खिलाड़ी दर्शक साथियों, हमारे क्षेत्र की शान है, हरियाणा प्रसिद्ध की दक्षिण हरियाणा की पहचान है दीपक काशीपुरिया, बिल्कुल इस क्षेत्र में लगातार कबड्डी खेलता है, बड़े अच्छे इसके दोस्त हैं, चाहे रिंकू की बात है, बिल्ला की बात है, चाहे विनय खत्री की बात है, चाहे रवि द्योरा की बात है, इनके साथ लगकर दो की छूट में हमेशा इसी क्षेत्र में कबड्डी खेलता है। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ मनीष कुमार सिरदा, अगला जो मुकाबला होगा इनमें से जो टीम जीतेगी, सांच जिला कैथल के साथ 1,22,000 प्लस 1,00,000 की बाइक है, यानी कि 2,22,000 रुपए का मुकाबला। चंदन शर्मा ऑस्ट्रेलिया अमीन से लाइव देख रहे हैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, और आलमपुर खेल कमेटी को बार बार बताइया। हाँ बिल्कुल भाई, चंदन अमीन भी सीधा लाइव देख रहे हैं इंग्लैंड से, बिल्कुल धन्यवाद करते हैं, और आशीष अमीन भी जो चंडीगढ़ हमारे परिवहन में कार्यरत है, वो भी बड़े साथी हमारे बीच में, बहुत अच्छा खेल प्रमोटर है आशीष अमीन, और चंदन इंग्लैंड से सीधा देख रहे हैं। अमीन गांव के बेटे हैं, इस गांव के भी काफी एनआरआई आज भाई सुरेंद्र ने काफी सूची बढ़कर जिन्होंने 35,000 21,000 11,000 काफी धनराशि देने का काम किया। और यह है कमल सिरदा, कैच की कोशिश है, बिल्कुल दीपक को कैच करने की कोशिश, पॉइंट मिला भाई बलबेड़ा की टीम को। अब रेड पर है विन्नी चीका, विन्नी चीका दर्शक साथियों खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ, आज सारा दिन से दानवीर कर्णों के सहयोग से सभी का मान सम्मान किया, और ये टच किया गोली बलबेड़ा को, पॉइंट मिला विन्नी सी का, यानी कि सिरदा की टीम को। फिर दीपक काशीपुरिया, दर्शक साथियों परसों खेदड़ जिला हिसार के अंदर बहुत बड़ी प्रतियोगिता थी, ये बेटा बिल्कुल नॉन स्टॉप वहां चला, फाइनल में जाके कैच लगी, बेस्ट रेडर है, बेस्ट कैचर के बिल्कुल मोटरसाइकिल खेल समिति ने रखे गए थे, बाबा शोराम गिरी शांति गिरी क्लब खेदड़, चाहे बबलू प्रधान की बात हो, बड़े चाहे राम के स्नैन की बात हो, राजेश राजा की बात हो, अनिल की बात हो, बहुत अच्छी चाहे धर्मवीर हवलदार, अच्छी प्रतियोगिता करवाई। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ मनीष कुमार सिरदा, हाँ सर डीपी सुरेंद्र जी, हाँ मैं के पास आए, अनुरोध करूंगा हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर हैं माननीय सुरेंद्र कुमार जी, एक बार मंच पर संपर्क करें। रेड पर है मनीष सिरदा और ये कैच की कोशिश, विक्की के द्वारा, बिल्कुल उभरता हुआ अच्छा खिलाड़ी है विक्की, भार वर्ग का खिलाड़ी है। अब रेड पर है दीपक बलबेड़ा, सामने चारों की चयन है, चाहे दीपी भागल राइट कॉर्नर पर दीपी भागल है, और चाहे कमल सिरदा की बात है, चारों की चयन घूमती हुई बहुत अच्छे, और ये डबल टच डॉक्टर सुभाष जानी का इशारा, और ये मध्यांतर, मध्यांतर का स्कोर आपकी जानकारी के लिए, वह नवीन कुमार बोलिए। बलबेड़ा 13 सिरदा 7, 13-7 का स्कोर है, बलबेड़ा के अंक है 13 और सिरदा के अंक है 7, 13-7 20, 10 मिनट का जो हमारा खेल समाप्त है और 10 मिनट का भी बाकी,
फाइनल मुकाबला जो इनमें से टीम जीतेगी सांच जिला कैथल के साथ होगा। ये तो बिल्कुल एक सच्चाई है, तीनों टीम यानी कि फाइनल जो कैथल जिले के पक्ष में गया है, कैथल जिला फर्स्ट सेकंड होगा। ये बिल्कुल स्थिति क्लियर हो चुकी है क्योंकि कैथल की टीम एक फाइनल में है और दो कैथल की टीमें अभी खेलने लग रही है। इनमें से जो टीम जीतेगी वो भी कैथल की होगी और फाइनल मुकाबला कैथल वर्सेज कैथल के बीच में 2,22,000 रुपए का भाई रजनी सरपंच और उसकी सारी टीम के द्वारा खेल मैदान पर होगा। वो ज्यादा से ज्यादा जो रेड लगाएगा, ज्यादा से ज्यादा कैच लगाएगा, वही बेस्ट रेडर कैचर के खिताब से यहाँ कंपनी के जो दो मोटरसाइकिल हैं भाई साहब के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चलो जी डॉक्टर साहब कराओ, शुरू कराओ। दीपक काशीपुरिया, चलिए खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ दीपक काशीपुरिया, चार आ जाए भाई। दीपी भागल नीले रंग की निक्कर में दीपी भागल है और बिल्कुल एक कॉर्नर को संभाले कमल सिरदा। दीपक काशीपुरिया जिला पलवल, हरियाणा प्रदेश का बहुत ऐतिहासिक जिला है और ये कमल सिरदा कैच की कोशिश। 2008 में हरियाणा प्रदेश के मानचित्र पर आया, उस जिले का नाम है पलवल जिला। और इससे पहले दर्शक साथियों हमारे 1966 में पंजाब से बड़े भाई से हम सेक्शन 30 के तहत अलग हुए थे। हरियाणा प्रदेश में 7 जिले थे, चाहे अम्बाला की बात है, करनाल की बात है, जींद की बात है, रोहतक की बात है, हिसार और गुरु महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, गुड़गावा। उसके बाद 1972 में सोनीपत भिवानी बना, 1973 में कुरुक्षेत्र जिला 10वें जिले के रूप में हरियाणा प्रदेश के मानचित्र पर आया। 1975 में हमारा जिला सिरसा बना, 1979 में फरीदाबाद जिला बना। इसके बाद 10 वर्ष तक किसी जिले का निर्माण नहीं हुआ। 1989 में चेरीवाड़ी की बात है, यमुनानगर की बात है, कैथल और पानीपत की बात है। उसके बाद 1995 में हमारा पंचकुला जिला बना, 1997 में हमारा जज्जर और फतेहाबाद बना, 2004 में सत्यमेवपुरम नू बना, 2008 में दर्शक साथियों हमारा जो पलवल जिला और 2016 में चरखी दादरी जिला। स्थिति यह है कि हरियाणा प्रदेश में 22 जिले, पंजाब प्रदेश में 22 जिले, जम्मू कश्मीर में 22 जिले, अरुणाचल प्रदेश में 22 जिले। बिल्कुल उनके साथ स्थिति स्पष्ट। आज आपके बीच में बहुत बड़ी प्रतियोगिता भाई रजनी सरपंच के द्वारा इस जिले में बहुत ज्यादा सरपंच, जिनमें 6,248 पंचायतें हैं, जिनमें से चौथे स्थान पर कुरुक्षेत्र जिला है 392 सरपंचों के साथ। रजनी और उसकी सारी टीम खेल मैदान पर मंच की शान बढ़ा रही है। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ दीपक काशीपुरिया, बहुत अच्छी प्रतियोगिता आपके बीच में। दीपक बिल्कुल लगातार कोशिश कर रहा है, अगला जो फाइनल मुकाबला होगा जो इनमें से, ये दीपी भागल है भाई, भागल गांव का खिलाड़ी, राइट कॉर्नर पर जो कैच करने की अभी कोशिश की थी, जहां काला भागल की बात है, चेन्नेसी भागल की बात है, नरेश सीडा की बात है, बहुत अच्छी दर्शक साथियों टीम है भागल गांव की। अब है विन्नी चीका दो की छूट में सिरदा की टीम का प्रतिभागी बन के खेल रहा है। यह मेला बलबेड़ा जून परिवार का बेटा, कोशिश की लेकिन पॉइंट मिला भाई दर्शक साथियों सिरदा की टीम को। फिर एट पर है दीपक बलबेड़ा, बड़े अच्छे हमारे ऑफिशियल, दो दो ऑफिशियल लगाए, चाहे मेवा सिंह नंबरदार उड़ान माजरा की बात हो, डॉक्टर सुभाष जी ज्ञानी और बीच में मैच रेफरी की जो भूमिका निभा रहे हैं, हमारे क्षेत्र की शान पहचान, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे दर्शक साथी, पहले हमारी भारत माता की श्रद्धाओं की रक्षा की, अब हरियाणा पुलिस में कार्यरत गुलाब सनेड़ी जी फौजी साहब और एक तरफ है बलजीत सिंह किरमच जिला कुरुक्षेत्र। फिर मनीष कुमार सिरदा रेड पर है, मनीष सिरदा मिल्ला बलबेड़ा विक्की गोली चारों की चैन, बहुत अच्छी टीम खेल मैदान पर है। विनय खत्री जैसे स्टार खिलाड़ी, हिंदुस्तान के मानने जाने खिलाड़ी आज आलमपुर की धरती पर पहुंचे, अपने आप में बिल्कुल इनको बधाई देते हैं, इनको प्रणाम करते हैं, हे परमात्मा इनका स्वस्थ रहे और इसी तरह खेल मेलों में बिल्कुल अपनी वाहवाही लूटते रहें और लोगों की बिल्कुल भावना की कदर करते रहें। चलिए दीपक काशीपुरिया बहुत बड़ा खिलाड़ी दर्शक साथियों जिला पलवल का, बिल्कुल एक साइड से जमुना बहती हुई उत्तर प्रदेश की सीमा लग जाती है, उस जिले का ये बेटा, छोटा सा जिला है पलवल। और ये कमल सिरदा कैच की कोशिश की जा रही है,
और ये मैच समाप्त हुआ भाई।